देखो 13th चैप्टर है 11th क्लास का लिमिट डेरिवेटिव। देखो पहला पकड़ेंगे लिमिट। देखो लिमिट की है आपने नेस्टर पढ़ी था वो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पहला करना मीनिंग क्या है। देखो एक्सटेंड्स टू ए का मतलब एक्स टेंड्स टू ए का मतलब ये है कि आप कहते हैं जितना ए इक्वल होगा चाहे ए तो थोड़ा या लार्जर चाहे ए तो थोड़ा या लेस। जिवें आपां 1 2 है 2 नूं आपां की लिखना है 1.9 भी लिखना है ते 2.1 भी लिखना है अप्रोक्सीमेटली लिखना है ना। ठीक है लिमिट एक्सटेंड टू ए दा मतलब यही होगा ए तो थोड़ा है लार्ज या ए तो थोड़ा या लेस। देखो जब आप लिमिट सॉल्व करते हैं ना पहला जो लिमिट दी हुई है उसे पुट कर देते हैं ये हमने अपना ब्रैकेट में पुट कर जितने एक्स सी उतने ए पुट कर दो की बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। देखो अपनी 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म बनोगे ना देन आप लव मेथड अप्लाई करेंगे नहीं तो अपना आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स टाइम्स टू 1 एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो 1 दी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 1 दी स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया आंसर 3। देखो एक तो अपना है बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है डायरेक्ट मेथड से तो यह है कि वैल्यू जो दिखती है बस पुट कर दोगे तो थोड़ा आंसर आ जाए। ठीक है बट बाय चांस जब आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं ना वो तो अपनी फॉर्म बन जाती है 0/0 फॉर्म। ठीक है ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है 0/0 फॉर्म के अंदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तब हम सॉल्व करेंगे अलग अलग मेथड करेंगे एक तो करेंगे बाय फैक्टर मेथड। ठीक है सेकंड मेथड करेंगे रैशनलाइजिंग। थर्ड मेथड है बाय फॉर्मूला। देखो अपने अंदर फैक्टर बना रहे हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए माइनस बी डी होल स्क्वायर डिवाइड से देखो 4 है फॉर्म तो की लिख सकते हैं 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। देखो एक्स माइनस टू में एक फैक्टर थोड़ा कैंसिल हो गया थोड़े को बच गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। देखो एक्स की वैल्यू की बुट करनी 2 2 माइनस 2 0 0 इंटू 4 2 0 बाय 4 आंसर। ठीक है जीरो वैल्यूज पुट कर दोगे या हटा दोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 ध्यान रखियो एल आई एम भी लिखना है एल टी भी लिखना है दोनों का मीनिंग यही है लिमिट। ठीक है एग्जांपल है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6। देखो एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे 2 दी क्यूब 8 2 दी स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8 2 दी स्क्वायर 4 5 इंटू 2 10 प्लस 6। देखो 8 माइनस 8 0 6 प्लस 4
10 10 माइनस 10 0 0 बाय 0 होम बन गए। तो तुसी ये देखो फैक्टर मेथड लग रहा है टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर। देखो डिवाइड वाले तेरी फैक्टर बना लो मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए 6 एक्स स्क्वायर ऐड करके की बनना चाहिए था माइनस 5 एक्स की फैक्टर बन जाएंगे 3 ते 2 ठीक है। x कॉमन माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 कॉमन x माइनस 2 देखो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू पुट कितनी 2 दी स्क्वायर 2 माइनस 3 देखो 2 दी स्क्वायर 4 2 माइनस 3 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा माइनस 4 क्लियर है। फोर्थ एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 देखो x की वैल्यू माइनस 1 पुट करो माइनस 1 की पावर 10 प्लस माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 की पावर इवन होगे प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 की पावर ऑड होगे तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 1 कैंसिल आंसर कितना आ गया 1 बाय माइनस ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल देखो लिमिट x टेंड्स टू 4 4 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 है x की वैल्यू की गिवन है 4 4 इनटू 4 16 16 प्लस 3 19 4 माइनस 2 19 बाय कौन सा लिमिट x टेंड्स टू 2 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 x की वैल्यू की गिवन है 2 देखो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 2 स्क्वायर माइनस 4 देखो 2 दी स्क्वायर 4 4 इंटू 3 12 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 2 दी स्क्वायर 4 4 माइनस 4 12 माइनस 12 0 4 माइनस 4 0 0 बाय 0 होम बन गई ठीक है। तो देखो फैक्टर मेथड बस क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है तो फैक्टर मेथड अप्लाई कर लो करो फैक्टर बनाने आते हैं देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देने हैं मल्टीप्लाई करके की बनना चाहिए माइनस 30 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करके की बनना चाहिए थोड़ा माइनस 1 एक्स ठीक है। 30 के फैक्टर देख लो की बन रहे हैं 6 से 5 बन रहा है ना 6 माइनस 5 1 हो जाएगा 6 इंटू 5 30 हो जाएगा माइनस 6 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है 4 में तुम की लिख सकते 2 दी स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 2 टेकिंग कॉमन 3x x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन x माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस 2 x माइनस 2 देखो जरा फैक्टर कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो फिर x की वैल्यू पुट कर दो 3 into 2 plus 2 plus 2 3 into 2 6 6 plus 5 11 2 plus 2 4 आंसर कितना बन गया 11 by 4 लिमिट x टेंड्स टू 3 x की वैल्यू 3 पुट करो 3 की पावर 4 81 minus 81 3 की पावर 2 2 in 3 की पावर 2 9 9 into 2 80 15 माइनस 3 देखो 81 से 81 क्या 0 18 माइनस 15 3 3 माइनस 3 0 0 बाय 0 कौन बन गई ना बनाओ फैक्टर होल स्क्वायर स्क्वायर दी स्क्वायर एंड तुसी की लिख सकते हो 9 दी स्क्वायर ठीक है। डिवाइड वाले दे फैक्टर बना लो मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए 6 प्लस माइनस करके की बनना चाहिए माइनस 5 माइनस 6 प्लस x देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b टेकिंग 2 को 2x कॉमन x माइनस 3 टेकिंग 1 कॉमन देखो 9 में तो सी की लिख सकते 3d स्क्वायर
getting x minus 3 common. A square minus b square का क्या बनता है formula? A plus b, a minus b. X minus 3, x minus b cancel. Pair x is equal to root of 3, 3 this square. 9, 9 plus 9, 18. 3 plus 3, 6. 3 into 2, 6. 6 plus 1, 7. मल्टीप्लाई कर दियो आंसर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस टू पुट करो माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू माइनस टू प्लस टू दिस वन कैंसल जीरो बाय जीरो फॉर्म ठीक है जीरो बाय जीरो फॉर्म बने तब एम की कर लिया करो सिंप्लीफाई फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना लाने बट ये तो लीनियर है तो की करोगे एलसीएम लो एक्स से टू का एलसीएम टू एक्स आप फर्स्ट मल्टीप्लाई करके ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो एक्स की टू ना मल्टीप्लाई की थी टू एक्स टू इंटू वन टू प्लस एक्स इंटू वन एक्स डिवाइड की है तो देखो एक्स प्लस टू टू प्लस एक्स एक्स प्लस टू सेम ही कर लोगे ना वन बाय टू बच गया अपने को वन बाय टू एक्स एक्स की जगह पे की पुट करना है माइनस टू वन बाय